फ्रेंड्स, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ राखी की पाठशाला में। आज हम जो अंतःस्रावी तंत्र जो चैप्टर पढ़ा था मैंने, जो अंतःस्रावी तंत्र उसमें पीयूष ग्रंथि और एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, इन सब चीज़ों के विषय में जो देखा था उसी से आज जो है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अंतःस्रावी तंत्र के वो जो है देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम से प्रश्न, वही जो है आज देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हार्मोन का स्रावण करने वाली ग्रंथियों को कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये कौन कौन सी होती हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। ये कहाँ होती हैं तीनों? तो ये होती हैं ब्रेन में, ये जो है ब्रेन में होती हैं। थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, सिक्स है थाइमस, थाइमस ग्लैंड, सेवन है पैनक्रियाज जिसे कि मिश्रित ग्लैंड भी कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड जिसे अधिव्रत ग्रंथि कहते हैं, गोनेड्स, लैंगिक जनन ग्रंथियां, ये जो है आंतों के नीचे होती हैं। आंतों के नीचे होती हैं ये, और ये जो होती है किडनी के ऊपर। शरीर में हार्मोन व एंजाइम स्रावण करने वाली ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, जो कि मैंने बताया था अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास है। थायरोक्सिन हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि के द्वारा स्रावण किया जाता है? वो है थायराइड ग्रंथि। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है? वो है एड्रिनल ग्लैंड, अधिव्रत ग्रंथि। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।